हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कुकिंग चैनल पैंटो प्लेट में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ सिर्फ दो चीजों से बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली एक मिठाई, क्योंकि कल रक्षाबंधन है। और अगर आप सोच रहे होंगे कि इतने जल्दी में क्या ऐसी चीज मैं बना लूँ कि बहुत ही आसानी से बन जाए और समय भी बहुत कम ले। इसका जो स्वाद होता है बहुत ही क्रीमी सा होता है, बहुत ही सॉफ्ट बनता है, बहुत मुलायम सा बनता है। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं दूध से बहुत ही आसानी से बनने वाली एक मिठाई, जो कि बहुत ही फटाफट बन जाती है। तो दूध से बनने वाली बहुत ही फटाफट मिठाई आपको पसंद आती है तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जी हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैं पैन के अंदर एक कप दूध डालने वाली हूँ, ये पका हुआ दूध है। यहाँ पे मैं गाय का दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर गाय का दूध नहीं अवेलेबल है तो आप भैंस का दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक कप डाल दिया है और गैस को मैं यहाँ पे धीमा कर दूंगी। और हमें यहाँ पे दूध को थोड़ा सा बहुत ही हल्का सा गर्म करना है, बहुत तेज नहीं गर्म करना है, बस गुनगुना सा गर्म होना चाहिए। तो दूध यहाँ पे हल्का गुनगुना गर्म हो चुका है। तो इसमें हम डालने वाले हैं 1.5 कप मिल्क पाउडर। मैं यहाँ पे नेस्ले का एवरीडे का मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ये मीठा होता है। तो पहले मैं 1 कप डाल देती हूँ। एक बात का ध्यान रखना है, मिल्क पाउडर कभी भी ठंडे दूध में नहीं डालना है, नहीं तो लम्स आ जाएंगी, गुठलियाँ आ जाएंगी और फिर उसे बहुत ज़्यादा हमें फेंटना पड़ेगा। तो दूध को यहाँ पे हल्का गुनगुना गर्म होना चाहिए। तो अब इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। अगर हम नहीं मिलाएंगे तो इसमें गुठलियाँ थोड़ी पड़ सकती है, तो पहले मैं इसे मिला लेती हूँ। और उसके बाद ऊपर से मैं अब डालने वाली हूँ 1/2 कप और मिल्क पाउडर। तो इसे भी मैं अच्छे से मिला लूंगी। तो इसका रेशियो है 1 कप दूध के ऊपर हम 1.5 कप मिल्क पाउडर डालने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे अच्छे से इसे मिला लिया है। तो यहाँ पे हम डालने वाले हैं 1 टेबलस्पून घी, ये गाय का घी है, और इसे हमें अच्छे से मिला लेना है। और एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे जो आंच है बहुत ही धीमी होनी चाहिए, यहाँ पे मीडियम ना रखें नहीं तो ये जल जाएगी। हमें यहाँ पे इसे नॉनस्टॉप चलाते रहना है, ऐसा नहीं है कि बीच बीच में आके चलाना है, बस हमें नॉनस्टॉप खड़े रहना है और चलाते रहना है। ये 10 मिनट के अंदर ही बन के तैयार हो जाती है, लेकिन फिर भी हमें ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो ये तले में चिपक जाएगी। और अगर बीच बीच में जैसे मुझे दिख रहा है कि इसमें गुठलियाँ सी दिख रही हैं क्योंकि लम्स होना शुरू हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पे विस्कर की सहायता से भी अच्छे से विस्क कर लूँगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो 5 मिनट के अंदर ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। और अब हम यहाँ पे जो इसके जो किनारे हैं वो स्पैचुला की सहायता से हम इसे किनारे को भी क्लियर करते जाएंगे, नहीं तो ये ड्राई हो जाएंगे पूरी तरह से। और हमें यहाँ पे विस्कर की सहायता से इसे चलाते रहना है। जैसे कि अब ये गाढ़ा गाढ़ा सा होता जा रहा है, तो अब ये सही वक्त है, मैं यहाँ पे इलायची पाउडर डाल दूंगी। तो इलायची पाउडर अगर आपको नहीं डालना है तो आप स्किप कर सकते हो। और मैं यहाँ पे अच्छे से इसे मिला लूंगी। क्योंकि ये थोड़ा सा चिपचिपा सा लग रहा है तो हम यहाँ पे 1/2 टेबलस्पून घी डाल देते हैं। तो अच्छे से हम इसे मिला लेना है। तो 5 मिनट का और वक्त लगेगा और ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे कुल मिला के करीबन 10 मिनट का वक्त हो चुका है। तो ये तैयार हो चुका है, ये एक डो की तरह हो चुका है, बहुत ही सॉफ्ट सा है, क्ले की तरह है। अब इसे हम ट्रे में डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे ट्रे के ऊपर पार्शमेंट पेपर लगा लिया है। अब इसके ऊपर जो तैयार किया है मिक्सचर वो डाल दूंगी। तो अब इसे हम पलट देंगे अच्छे से और हमें यहाँ पे इसे फैला देना है अच्छे से और इसे लेवल कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे फैला दिया है, लेवल कर दिया है। अब इसे मैं डीप फ्रीजर में रखूंगी। जी हाँ, मैं इसे डीप फ्रीजर में रखूंगी ताकि 5 मिनट के अंदर ये जल्दी जल्दी फटाफट ठंडा हो जाए। तो देखिए यहाँ पे 5 मिनट हो चुका है, 5 मिनट से थोड़ा वक्त ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये हो चुका है। अब इसे मैं निकाल लूंगी और अब मैं यहाँ पे इसे कट कर लूंगी। आप अपने हिसाब से इसे कट कर सकते हो, चाहे छोटे से क्यूब में हो या रेक्टेंगल शेप में हो। तो मैं यहाँ पे बर्फी का शेप दूंगी। देखिए मैंने यहाँ पे इसे काट लिया है। अब इसके ऊपर मैं डाल दूंगी वर्क। आप चाहो तो काटने से पहले भी वर्क डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जो सिल्वर वर्क है, चांदी का जो वर्क है, वो डाल दिया है। अब मैं इसे हल्का सा कट कर दूंगी। देखिए ये कट के तैयार हो चुका है। बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली ये मिठाई तैयार हो चुकी है। जो मेन इंग्रेडिएंट इसमें डाला है, मैंने मिल्क पाउडर डाला है और दूध डाला है और इसके अलावा थोड़ा सा घी डाला था, बाकी का सब ऑप्शनल है, जो आपको डालना है आप डाल सकते हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये लास्ट मोमेंट में बनने वाली मिठाई की रेसिपी पसंद आई होगी। आप जरूर घर पर ट्राई कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।